हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसका हमने एक फिक्स प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, जिससे कि आप ये दवाइयाँ जैसे आपको एडवाइस की गई अगर आप लेते रहेंगे तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे, आपको कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहली मेडिसिन जो प्रिस्क्रिप्शन में है वो एक एंटीबायोटिक है, जो कि आपको सुबह शाम लेनी है, खाने के बाद लेनी है और 5 दिन तक लेनी है। इस दवाई को अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन का रिस्क होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है ये एक बी कॉम्प्लेक्स या मल्टीविटामिन टैबलेट है, जो कि आपको खाने के बाद लेनी है और 5 दिन तक लगातार देनी है। ये इसलिए दी जाती है ताकि एंटीबायोटिक के साथ जो भी थोड़ा बहुत आपके जो जिसे कहते हैं इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियाज़ का लोड थोड़ा सा भी अपसेट होता है, ये उस चीज़ को मैनेज कर लेती है और इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आने देती है। तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन है ये एक एंटासिड है, जो कि आपके जो स्टमक है उसके अंदर एसिडिटी कम करता है, क्योंकि जो दवाइयाँ हम आपको दे रहे हैं उसके साथ अगर हल्का सा भी रिस्क होता है एसिडिटी होने का, जो कि सबको नहीं होता है, बहुत कम लोग जो सेंसिटिव होते हैं उनको होता है, तो ये दवाई एक सुबह खाली पेट लेने से आप दिन भर इस तरह की प्रॉब्लम जो एसिडिटी या किसी और वजह से हो सकती है उससे फ्री रहेंगे। चौथे नंबर की जो मेडिसिन है ये एक पेन किलर या एनाल्जेसिक है, ये आपको दिन में 3 गोलियां लेनी है, 5 दिन तक लेनी है और खाने के बाद लेनी है, 1 गोली सुबह, 1 दोपहर को और 1 शाम को। ये अगर आप रेगुलरली लेते रहेंगे तो आपकी जो पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी और आपको पेन बिल्कुल भी फील नहीं होगा। इसके बाद जो अगली गोली है 5वें नंबर पे, ये भी एक पेन किलर है और ये थोड़ा स्ट्रांग पेन किलर है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इनिशियली 1-2 दिन हमने देखा है कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ज़्यादा रहता है पेशेंट्स को, तो ये एक स्ट्रांग पेन किलर है जो कि आप रात को अगर सोने से पहले लेंगे तो आपको रात भर दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी और शुरू के जो 2 दिन हैं वो आपके बिल्कुल स्मूथली निकलेंगे। और इसके बाद जो टैबलेट्स हैं ये आपको रात को सोते समय लेनी है, ये आपको इसलिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं कि हर सर्जरी के साथ जो एक थोड़ा एप्रिहेंशन होता है, जो घबराहट होती है, वो इसको लेने से आप रिलैक्स रहेंगे और किसी भी तरह की घबराहट और उससे बचे रहेंगे। फिर ये जो एक सेट है मेडिसिंस का ये day 1 to day 15 चलता है, इसको हमने इसलिए बनाया हुआ है, इसको लेने से आपके जो जिसे कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सूजन आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। इसमें 3 स्ट्रेंथ या 3 पावर की टैबलेट्स हैं। सबसे पहले 20 मिलीग्राम की टैबलेट है जो कि आपको सुबह दोपहर और शाम को लेनी है और 5 दिन तक लेनी है, यानी day 1 से day 5 तक। फिर day 6 पे आप इसी टैबलेट की जो डोज है वो कम कर देंगे और आप 20 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम पे आ जाएंगे, तो day 6 से day 10 तक मतलब 5 दिन वापस आपको 10 मिलीग्राम की गोली दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम को लेनी है। फिर day 11 पे इसकी पावर को फर्दर रिड्यूस कर देंगे, फर्दर कम कर देंगे और कम कर देंगे, उसमें आप 5 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह दोपहर शाम मतलब दिन में 3 बार खाने के बाद लेंगे और day 11 से day 15 तक लेंगे और day 15 पे ये भी टैबलेट्स ख़त्म हो जाएंगी। आपकी जो मेडिसिन की किट है उसके अंदर साथ में एक ये ट्यूब भी प्रोवाइड कराई जाती है जो कि एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, ये आपको हेड वॉश के बाद डोनर एरिया पे सुबह शाम लगानी है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके फिंगर टिप पे लेके और पूरे डोनर एरिया पे इसको एक तरह से क्रीम की तरह अप्लाई करना है सुबह शाम। ये भी आपके डोनर एरिया को प्रोटेक्ट करके रखेगी डस्ट वगैरह से और इन्फेक्शन के चांसेस कम करेगी। इसके अलावा दवाइयों संबंधित किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आपके प्रिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और आपको उस समय जो भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से दवाइयाँ मॉडिफाई की जा सकती हैं।